सुल्तानपुरी जी ने अपना पूरा जीवन कविता को दिया, पूरा जीवन गोष्ठियाँ की और आज भी कर रहे हैं, नए कवियों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। हमारी गोष्ठी में हर माह में आशीर्वाद प्राप्त हो सकता ताजा जोरदार हमकी हम। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कवियों को देखा जिन्होंने 50-50 साल काव्य पाठ किया, लेकिन उन बड़े कवियों में अगर कोई सरल व्यक्तित्व मुझे आज तक मिला है तो वो केवल सीमा सुल्तानपुरी जी के रूप में मिला है। कभी कोई चाह नहीं की, कभी कोई इच्छा नहीं की किसी माला की, किसी प्रस्थान की, जहाँ से हृदय से जो मान सम्मान मिला उसे स्वीकार किया, जो अपने पुष्प काव्य के बांटते चले, पूरा जीवन दिया। कितने 50 वर्ष में आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने कवियों को उन्होंने मंचों की ऊंचाइयां दी होंगी। और आज एक और इस गोष्ठी में बहुत खूबसूरत सा चेहरा, खूबसूरत सा लिबास, एक अलग सी नज़र आ रही है आज एक कवित्री, तो वो इसलिए अलग नज़र आ रही है क्योंकि उनका नाम मंजू साकिया होता है और आज उनका जन्मदिन है, तो उनकी भी तालियाँ बनती हैं। और आज जो नाश्ते का प्रबंध है वो भी आज मंजू जी की तरफ से ही है। तो लीजिए, हम पहले उन कवियों को सुनना चाहते हैं जो पहली बार इस कवि गोष्ठी में आए हैं। उन नौ कवियों को हम सुनना चाहते हैं, तो क्रम से वो आए, अपना पूरा परिचय दें और एक कविता अपने यहाँ रखें। तो एक बार हाथ खड़ा करें मेरा कि मैं आइए यहीं से शुरू करते हैं, इसी क्रम से शुरू करते हैं जो सबसे पहले अपना परिचय और काव्य पाठ। आइए, स्वागत। सभी को प्रणाम करता हूँ। बंदी करता हूँ ये बंदी है, ये तो डमी है बस।
मेरा नाम है कामेश्वर गुंबर अमन, अमन के नाम से मैं लिखता हूँ। लिख कई वर्षों रहा हूँ लेकिन मैं कभी किसी काव्य गोष्ठी में नहीं आया, तो आज पहली बार पहली काव्य गोष्ठी के अंदर आया हूँ आप सबके सामने। मंच पर, काव्य मंच पर ये मेरी पहली परफॉर्मेंस होने वाली है। वैसे मैं कहीं इनवाइटेड होता हूँ तो मैं ज़रूर कहीं कहीं कविता सुनाता हूँ। मैं 10 वर्षों से यहाँ वकालत करता हूँ और चंडीगढ़ और दिल्ली में मेरे दो ऑफिस चलते हैं, छोटा मोटा वकील। सर वैसे ईश्वर की कृपा से 500 से ज्यादा रचनाएं बिक चुका हूँ और पहली रचना जो भी बहुत लोकप्रिय हुई है वो ही आपको मैं सुनाऊंगा। शीर्षक है उपको माँ भारती पुकारती। जी, गत वर्ष JNU की घटना के बारे में हम सब ने जाना होगा, भारत को टुकड़े करने की जो बात हुई थी, तो वहां से एक विचार निकला है वो आप सबको समर्पित करूंगा। अनुमति चाहता हूं कि जो भारत के टुकड़े चाहे, जो भारत के टुकड़े चाहे हर वो शख्स मिटाना है। उठो ना भारती पुकारती, हमें देश फिर आजाद कराना। रक्त भगत आजाद के जैसा, रक्त भगत आजाद के जैसा नस नस में दौड़ाना है। उठो ना भारती पुकारती, हमें देश फिर आजाद कराना। मेरी माँ को चाहे गाली देना, मेरी माँ को चाहे गाली देना, पर मातृभूमि को कुछ ना कहना, वरना मिट्टी में मिल जाओगे, हर देशद्रोही को बताना है। उठो माँ भारती पुकारती, हमें देश फिर आजाद कराना। और कांप कांप के मर जाओगे जब देशभक्त हुंकारेंगे, कांप कांप के मर जाओगे जब देशभक्त हुंकारेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, हर धर्म से पहले भारत है, यह संकल्प पुराना है। उठो माँ भारती पुकारती, हमें देश फिर आजाद कराना। और JNU के बुद्धिजीवियों, इस मन से कहूंगा JNU के सभी बुद्धिजीवियों को, कि JNU के बुद्धिजीवियों अब तुम बच कर के रहना, सोते में भी मुंह खुल जाए तो भारत माँ की जय कहना, तुम्हारे सपनों में घुस करके राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना है। उठो माँ भारती पुकारती, हमें देश फिर आजाद कराना। और भूल ना जाना, भूल ना जाना कैसे हमने कसब अफजल लटकाए थे, खाक हो गए खुद ही आखिर जो हमें मिटाने आए थे। तुम खैर मनाओ अपनी अपनी, हमें आता देश बचाना है। उठो ना भारती पुकारती, हमें देश फिर आजाद कराना है, देश फिर आजाद कराना है, देश फिर आजाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। आवाज का यही स्तर यदि मेंटेन रहे तो माइक हमेशा के लिए बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं ही सोच रहा था अगर चालू होता तो ये आवाज निश्चित रूप से लाहौर इस्लामाबाद तक पहुँचती। बधाई देता हूँ, कहाँ आप कौन सी कोर्ट में काम करते? सर मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, तीनों जगह। सर छोटी सी लॉ फर्म है मेरी, चंडीगढ़ भी ऑफिस सकते हैं। अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ यहाँ से आप डाउन कैसे करते? सर वहाँ 2 जूनियर्स हैं, यहाँ 3-4 जूनियर। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैंने 4 पंक्तियां कभी वकीलों के लिए लिखी थी कि वकीलों को कहाँ फुर्सत कहाँ आराम करते हैं, वकीलों को कहाँ फुर्सत कहाँ आराम करते हैं, न जाने लोग फिर भी क्यों इन्हें बदनाम करते हैं, खड़े रहते प्रतीक्षा में कि कब आए मेरा नंबर, दिला इंसाफ सबको ये खुदा का काम करते हैं। क्या बात है, तो भले ही कुछ भी कहें लेकिन इंसाफ इनके भरोसे होता है। वकील चाहे तो आपके केस को पकड़ दे, चाहे तो कुछ कर दे, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपका एक किस्म से भगवान होता है और आप अपने आप पूरा केस, अपने सारी सच्चाई उसके सामने रख देते हैं, जैसे आप डॉक्टर के सामने रख देते हैं जो भी तकलीफ होती है, तो वही काम ये करते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार गोष्ठी में आते रहे, इस परिवार का सदस्य बने। अगले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जो पहली बार इस गोष्ठी में आए, अपना परिचय दे और काल पाए। मैं नितिन कला, थोड़ा सा आवाज बढ़ानी पड़ेगी, वकालत ही करवानी पड़ेगी फिर आपको। अरे
इतनी खतरनाक लगती तो नहीं। नहीं सर, मैं जीएनएम। अच्छा सर, ऐसा कहते हैं।